वेलकम टू एसेट कंपाउंडर अकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं HTML में इमेजेस के बारे में। HTML में इमेज कैसे लगाते हैं, जैसे कि हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो भी फ्रंट में इमेज दिखता है, कंटेंट दिखता है, वो सब किसके से दिखता है, HTML या CSS से। वो सब हम डिज़ाइन करते हैं जो फ्रंट में डिज़ाइन का पार्ट दिखता है। तो हम फ्रेंड्स आज वही इमेज के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे लगाते हैं HTML से हम इमेज को अपने वेबसाइट में। ये वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो हम आपको लेके चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले देखती हूँ आपको एक वेबसाइट आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक वेबसाइट दिखाती हूँ कि जिसमें हम देखते हैं कि इमेज का यूज़ कैसे होता है, क्या इससे दिखता है इमेज। फ्लिपकार्ट पे जाएंगे हम। तो हम फ्लिपकार्ट के वेबसाइट पे देख रहे हैं तो बहुत सारे इमेजेस हमको यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, ये सारे इमेजेस हमको बहुत सारे दिख रहे हैं यहाँ पे। तो ये सारे इमेजेस हमको कहाँ से दिख रहे हैं, देखिए ना, ये फ़ोन का, ये सारे इमेज, कैमरे का इमेज है, स्पीकर का है ये, ठीक है, ये क्या है, वॉच है, ठीक है। तो ये सारे इमेज जो हमको दिख रहे हैं, ये ऐसे थोड़ी ना आए, ये सब हमें HTML से ही हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। HTML के थ्रू हमने यहाँ पे इमेज को डाला हुआ है। तो यही सब हम देखेंगे कि हम कैसे HTML में हम कैसे इमेज को लगाते हैं, कैसे अपने वेबसाइट में इमेज हम डाल सकते हैं। जो इमेज हमको चाहिए वो इमेज हम अपने हिसाब से अपने वेबसाइट में डाल सकते हैं। तो ठीक है, एंड तक वीडियो में आप बने रहिएगा, मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी। तो हम सबसे पहले अपना नोट्स देखते हैं। HTML इमेज, HTML इमेज टैग इज यूज्ड टू डिस्प्ले इमेज ऑन द वेब पेज, ठीक है, जो कि हमने आपको अभी बताया। HTML इमेज टैग इज एन एम्प्टी टैग दैट कंटेन्स एट्रीब्यूट ओनली क्लोजिंग टैग्स आर नॉट यूज्ड इन HTML इमेज एलिमेंट्स, ठीक है। HTML इमेज टैग का ये क्या है, HTML इमेज का सेंटेक्स है। तो सेंटेक्स हम बाद में जब ही प्रैक्टिकल करेंगे तो हमको समझ में आ ही जाएगा। तो देखते हैं, द HTML इमेज टैग इज यूज टू एम्बेड एन इमेज इन अ वेब पेज, ठीक है। तो हम अपने वेब पेज में इमेज को एम्बेड करने के लिए क्या करते हैं, इमेज टैग का यूज करते हैं, जो कि हम बाद में देखेंगे पूरा। इसमें मेन क्या होता है, द HTML टैग हैज टू रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स। दो एट्रीब्यूट्स रिक्वायर्ड होते हैं हमारे इमेज टैग के अंदर। पहले तो हम इमेज टैग लगाते हैं, जैसे कि पैराग्राफ लिखने के लिए पैराग्राफ टैग, और उसके बाद में क्या बोलते हैं उसको, हेडिंग लिखने के लिए हेडिंग टैग लगाते हैं। ऐसे ही इमेज लगाने के लिए इमेज टैग का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इमेज टैग है। इस इमेज टैग के अंदर भी हमको दो एट्रीब्यूट्स का रिक्वायर्ड होता है। वो क्या होता है, एक SRC होता है, एक ALT होता है, ठीक है, ये दोनों का रिक्वायर्ड होता है। तो हम आपको बात करते हैं SRC क्या होता है। SRC में हम क्या करते हैं, जो हमारा इमेज रहता है उसका जो नेम रहता है वो हम डालते हैं वहाँ पे, जो नेम से हम इमेज को सेव किए रहते हैं अपने फोल्डर में, वो नेम हम यहाँ पे डालते हैं SRC में। और ALT में हम कुछ टाइप करते हैं जो हमको वहाँ पे दिखता है। फाइल को जब रन करते हैं तो जो आउटपुट में दिखता है, अगर इमेज प्रॉपर नहीं है या फिर हमने प्रॉपर SRC में इमेज का पाथ नहीं डाला है, तो वो कहाँ पे दिखता है, ALT के अंदर दिखता है। तो वो अभी तो समझ में आपको आएगा भी नहीं, जब मैं आपको प्रैक्टिकल करूँगी तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने कॉल एडिटर की तरफ। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या चाहिए, पहले एक इमेज चाहिए, जो हमें इमेज अपने वेबसाइट पे लगाना है या जो इमेज हमको यहाँ पे दिखाना है आउटपुट में, वो इमेज हमारा इस फोल्डर के अंदर होना चाहिए। जो ये हमारा HTML2 नाम का फोल्डर मैंने बनाया था अपने डेस्कटॉप पे, मैं फिर आपने जो भी फोल्डर बनाया हुआ है, चाहे वो आपके डेस्कटॉप पे हो या फिर कहीं पे भी हो, उस फोल्डर के अंदर वो इमेज होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास तो अभी कोई इमेज नहीं है, तो हम चलते हैं अपने क्रोम पे और यहाँ से हम कोई इमेज क्या कर लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे, सेव इमेजेस पे करेंगे, JPG में आ गया, यहाँ पे लिखेंगे लॉयन, ठीक है। हमारा फोल्डर कहाँ पे था, यहाँ पे था HTML2 नाम से, यहाँ पे इसको हम कर देंगे सेव, ठीक है, ये सेव हो गया हमारा। अब हम जाएंगे अपने कोर एडिटर पे, तो यहाँ पे देखिए हम इमेज आ गया lion.jpg। अब हम क्या करेंगे, एक फाइल बनाएंगे पहले image.html, ठीक है। ये फाइल
फिर शिफ्ट के साथ वन प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे। ठीक है, पहले कुछ हेडिंग ले लेती हूँ, यहाँ पे लिख लेती हूँ दिस इज इमेज टैग। ठीक है, दिस इज इमेज टैग। ये थोड़ा कंट्रोल एस करके पहले इसको देखती हूँ लाइव सर्वर पे, तो ये ऐसे दिख रहा है। तो ये थोड़ा मैं क्या करती हूँ, कुछ इसको स्टाइलिंग दे देती हूँ। तो यहाँ पे क्या करती हूँ, अलाइन सेंटर कर देती हूँ, सेंटर अलाइन सेंटर कर दिया, कंट्रोल एस कर दिया ऐसे दिखने के लिए। और अपना स्टाइलिंग आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। यहाँ पे इमेज टैग लेंगे IMG, IMG जैसे आप टाइप करोगे IMG आपको ऑटोमेटिक देखो यहाँ पे आ रहा है, इसी पे एंटर कर देना है। अब हमने आपसे बात किया था SRC और ALT आएगा। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको जब भी यहाँ पे दिखाया था नोट्स में, तो मैंने इसका बात किया था SRC और ALT का। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे SRC में हमने आपको क्या बोला था कि जो SRC रहेगा उस SRC में हम आपको जो हमारा इमेज का नाम दिए रहेंगे वो नाम को हमको यहाँ पे डालना है। क्या है, LION loin.jpg, जैसे नाम है यहाँ पे सेम डालना है LION डॉट, ये ऑटोमेटिक देखो यहाँ पे बता रहा है क्योंकि इस फोल्डर में है। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखना है हमको, यहाँ पे मैसेज प्रिंट करते हैं हम, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं इमेज नॉट फाउंड, इमेज नॉट फाउंड। ठीक है, कंट्रोल एस करेंगे। देखिए अभी तो ये हमारा, अभी यहाँ पे हम जाएंगे लाइव सर्वर करेंगे, इमेज दिख रहा है अपना, थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है क्योंकि इसमें अभी हाइट विड्थ नहीं दिए हैं हम, तो अभी ऐसा देखने के लिए। तो ये क्या हो रहा है हमारा, दिख रहा है इमेज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या करना है हमको, ये जो हमारा इमेज यहाँ पे दिख रहा है अभी, अगर ये इमेज का नाम loin.jpg है, इसके जगह पे हम loin के जगह पे n हटा देते हैं, loin का कंट्रोल एस करेंगे n हटा के, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इमेज नॉट फाउंड। इसका मतलब क्या है कि जो ये हमारा इमेज का नाम मैंने गलत दे दिया तो ये यही मैसेज प्रिंट कर रहा है। मतलब अगर कुछ भी एरर रहेगा, अगर इमेज इस फोल्डर में नहीं है हमारा, तो क्या होगा, ये मैसेज यहाँ पे जो भी हम लिखेंगे, कुछ भी हम इमेज नॉट फाउंड या फिर कुछ भी डाल सकते हैं, इनवैलिड या कुछ भी, जो भी हमको मैसेज प्रिंट कराना है वो हम यहाँ पे ALT के अंदर डाल सकते हैं। तो ये अभी हमने स्पेलिंग देखो रॉन्ग लिखा, तो ये क्या बोल रहा है, इमेज नॉट फाउंड, मतलब ये इस नाम का इमेज इसमें कोई भी नहीं है। अभी यहाँ पे जब हम प्रॉपर लिखेंगे, यहाँ पे हम प्रॉपर लिखेंगे तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिक ले लेगा। ठीक है, अभी ये कैसा कुछ गंदा सा दिख रहा है, अच्छा नहीं दिख रहा है, तो इसको हम कुछ स्टाइलिंग देते हैं। देखो हमने बोला था कि थोड़ा बहुत स्टाइलिंग यूज करेंगे तभी प्रॉपर समझ में आएगा, जबकि स्टाइलिंग का पार्ट CSS का है, फिर से मैं आपको बोल रही हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत हम इसके साथ सीखते चलेंगे। बिना स्टाइलिंग दिए हमको अच्छे से समझ में भी नहीं आएगा कि ये, क्योंकि अभी ऐसा इमेज दिखेगा तो क्या समझ में आएगा इंसान को, क्या ही है ये, अच्छे से कुछ समझ में नहीं आ रहा है कौन सा इमेज दिख रहा है। तो ये क्या कर रहा है पता है, अपना ये फुल विड्थ ले रहा है, इसका जितना विड्थ है ना पेज का वो पूरा विड्थ ले रहा है, तो उससे थोड़ा प्रॉपर नहीं दिख रहा है। तो हम इसको एक विड्थ देते हैं, तो पहले सबसे पहले हाइट देते हैं इसको, क्या करते हैं हम एक हाइट देते हैं, तो हाइट दे देते हैं इसको 600 पिक्सल, परसेंट में भी दे सकते हैं, तो मैं पिक्सल में दे रही हूँ। यहाँ पे जाएंगे इसको एक विड्थ दे देंगे, विड्थ कितना देती हूँ ये भी 600 पिक्सल कर देती हूँ, कंट्रोल एस करेंगे। अब देखिए ये अपना इमेज कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, तो मेरे को लग रहा है अभी भी कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, तो हम इसको कर देते 500 पिक्सल, कंट्रोल एस करेंगे। अभी देखो हाइट ज़्यादा है थोड़ा सा, तो हाइट को भी हम क्या कर देंगे 500 पिक्सल करके कंट्रोल एस करेंगे, ये देखिए। ठीक है, अभी भी बड़ा दिख रहा है, चलो 300 के देखते एक बार इसको हम, अपने हिसाब से आप इसको हाइट और विड्थ दे सकते हैं। 300 दिया, कंट्रोल एस किया, ये देखो। ठीक है, तो ये हमारा ऐसा, हम अपना इमेज टैग को ऐसे यूज करते हैं अपने वेबसाइट में, इमेज टैग ऐसे लगाते हैं हम अपने वेबसाइट में। तो अभी हमारा क्या हुआ, इमेज टैग कंप्लीट हुआ।
कैसे हम इमेज को लगाते हैं अपने वेबसाइट में, कैसे इमेज को अपने वेबसाइट में लाते हैं, हम HTML में इमेज टैग कैसे यूज करते हैं फ्रेंड्स, तो हमने आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दिया है। अभी इसके और भी पार्ट्स है कि हम इमेजेस को और कैसे बना सकते हैं और क्या कर सकते हैं, तो वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट में मुझे बताओ कि क्या नहीं समझ में आया है। वैसे तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, आपको नहीं समझ में आया इमेज टैग में, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट करो और मुझे बताओ, मैं आपको इससे भी बेटर बताने का ट्राई करूंगी फ्रेंड्स। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स।